और अब भिंड से बड़ी खबर है। यहाँ पर नगर पालिका के सफाई कर्मी ने मृत गाय को घसीटा, तस्वीरें सामने आई, गाय को घसीटते ले जाने का फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल है। सीएमओ दफ्तर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं। मालनपुर नगर पालिका सीएमओ ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी ले लिया है और दो सफाई कर्मियों का 15 दिन का वेतन भी काट दिया है। मालनपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर नगर पालिका के सफाई कर्मी ने मृत गाय को घसीटा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और अब इस मामले में एक्शन भी ले लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, तस्वीरें सामने आई थी, मृत गाय को घसीटते हुए सफाई कर्मी दिखाई दिए थे, हालांकि अब एक्शन भी ले लिया गया इस मामले में। बिल्कुल, भिंड की नगर पालिका का ये पूरा मालनपुर नगर पालिका का पूरा मामला है और जिसमें देखा जाए जिस तरीके से जो सफाई कर्मी है या जो पशुओं को ले जाते हैं, जिस तरीके से जो ट्रॉली में घसीट नीचे बांधकर और घसीटते हुए मृत गाय को ले जा रहे हैं, उन कर्मचारियों की हालांकि 15 दिन की वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दे दिया, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार और या बीजेपी के जो नेता हैं वो दावे करते हैं बड़े बड़े कि गौ सेवा करना और गायों के प्रति, लेकिन उसी क्रम में कर्मचारी और अधिकारियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मानवता शर्मनाक करने वाली ये तस्वीरें, जिस तरीके से जो साहब है नेशनल हाईवे 719 पर गाय को घसीटते हुए और ये वीडियो फोटो जो राहगीर निकल कर जा रहा था उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके से गायों की रक्षा की जाती है, गौशाला खोली जाती है और जब गाय मृत हो जाती उसको किस तरीके से पीछे ट्रॉली के बांधा जाता है और उसको घसीटते हुए अन्य जगह जहाँ जंगल है वहाँ पर डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़े सवाल करते हैं। लेकिन हालांकि अब कर्मचारियों पर ये कार्रवाई की, हालांकि जांच के भी इस पूरे मामले में आदेश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में कौन दोषी है और अन्य कौन कौन लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात तो कलेक्टर ने कही है, लेकिन अब देखना होगा कि इन दो कर्मचारियों पर ही कार्रवाई होती है या फिर किसी अधिकारी पर भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, और ये सबक है कि आगे ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।